हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में आप इंगन हल्तान की जो रियल लाइफ पार्टनर हैं, यानी कि जो उनकी वाइफ हैं, वो इस ड्रामे के बारे में क्या कहती हैं और इस ड्रामे से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज है जो अर्तुगरुल ने पूरी लाइफ के लिए प्रोडक्शन वालों से अपने लिए ले ली है। ये सब इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज आज आप लोग देखेंगे। जब अर्तुगरुल यानी इंगन हल्तान की रियल वाइफ से पूछा गया इस ड्रामे की जो शूटिंग है उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं उनको तलवारों से लड़ना था, उनको बहुत ज्यादा चोटें भी आई, तो वो यहाँ पे बता रही हैं मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ज्यादा मुतमिन थी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टीम्स जो हैं प्रोवाइड की गई थी और ये पूरी टीम वेल प्रिपेयर्ड थी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने खुद भी ये ड्रामा देखा है, तो उन्होंने बताया कि मैं ये ड्रामा 3 बार देख चुकी हूँ और ये तुर्की का पहला ड्रामा है जो पूरी दुनिया में इतना मशहूर हुआ है और इसकी जो टीम थी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर उनसे पूछा गया कि इस ड्रामे में अर्तुगरुल के अलावा कोई और भी है जो आपको पसंद है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि सबके कॉस्ट्यूम और सबकी दाढ़ी से सब एक जैसे ही लग रहे थे और सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत भी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड अर्तुगरुल पसंद है। और फिर अर्तुगरुल यानी इंगन हल्तान से पूछा गया कि इस ड्रामे के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमने उस जमाने की बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी, हमारी बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती थी, पूरी टीम के साथ बहुत लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि शुरू में अर्तुगरुल कैसा दिखता था, उसके बाद कैसा था और फिर वो एंड पर कैसा हो गया। शुरू में उसको यंग, स्ट्रांग और लड़ाई करने वाला दिखाया गया और बाद में उसको समझदार और मोर एनर्जेटिक दिखाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या इन सीरीज में हम अर्तुगरुल का बुढ़ापा भी देखेंगे, तो इंगन हल्तान ने हंसकर कहा कि वैसे तो अर्तुगरुल की उम्र 90 इयर्स के करीब थी, तो हमसे जितना हो सका हमने उतनी दिखाई है, हमने उस्मान गाजी की पैदाइश भी दिखाई है। तो उनकी वाइफ मजाक से कह रही हैं कि हम अर्तुगरुल को 300 साल तक दिखाएंगे, तो फिर इंगन ने आगे से मजाक से कहा कि हम टेक्नोलॉजी से अर्तुगरुल को बूढ़ा होते हुए भी दिखाएंगे। फिर अगला सवाल था कि ये ड्रामा दूसरे ड्रामों से किस तरह मुख्तलिफ है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस ड्रामे की प्रोडक्शन ने इस ड्रामे में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, जिसका रिवार्ड हम सबको मिल रहा है और इस ड्रामे का कंपैरिजन किसी और ड्रामे से किया ही नहीं जा सकता। फिर उनसे पूछा गया कि इस ड्रामे के बाद लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में नया नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये सब देखकर मुझे पूरी दुनिया के लोगों से सिंसेरिटी और पॉजिटिविटी मिलती है। अर्तुगरुल से पूछा गया कि इस ड्रामे से ऐसा क्या है जो आप हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहेंगे, तो उन्होंने बताया कि इस ड्रामे में मेरी 2 रिंग्स हैं जो कि स्पेशल बनवाई गई थी, एक पे 2 ईगल बने हुए हैं और एक पर 1 ईगल बनी हुई है, और सेकंड चीज़ है मेरी तलवार। पूरी टीम की जो तलवारें हैं वो डिफरेंट थी और जो मेरी तलवार थी वो स्पेशल मेरे लिए बनवाई गई थी, तो ये दोनों रिंग्स और ये तलवार प्रोडक्शन वालों से अपने लिए लाइफ टाइम के लिए ले ली हैं, और जो एक्सपीरियंस मुझे इस ड्रामे से मिला है और जो कुछ भी मैंने इस ड्रामे से सीखा है वो इल्म मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। और फिर वो बता रहे हैं कि इस ड्रामे को 5 साल हो गए हैं और उन्होंने अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाए, बस वो नीचे से थोड़े थोड़े से ट्रिम करवा देते हैं और ये इसलिए बहुत लंबे हो गए हैं, जब ड्रामे की सब सीरीज मुकम्मल हो जाएंगी तो वो अपने बाल कटवा देंगे, क्योंकि एक मर्द के लिए लंबे बाल संभालना बहुत मुश्किल है। फिर वो एक और तुर्की एक्टर जैन यमन के बारे में बता रहे हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने भी एक ड्रामे के लिए बाल लंबे किए थे और उनको बहुत ज्यादा सूट भी किए थे। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि मैं 20 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और अगर उस जमाने में कोई मुझे कहता कि फ्यूचर में आप एक ऐसे ड्रामे में काम करेंगे वो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा, तो मैं उस वक्त कभी भी इस बात पर यकीन ना करता। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये ड्रामा पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मशहूर हो गया है और लोग इस ड्रामे को इतना ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान हमारी पूरी टीम की आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमें पता लग जाता था कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है या किसको कौन से डायलॉग में थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो हम जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही एज अ फैमिली हम लोग काम करते रहे हैं और हमें एक दूसरे की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस ड्रामे के थ्रू हमने बहुत अच्छे और बहुत क्लोज फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।